वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा एक बहुत छोटा सा शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग कुछ बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, और मेनली मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोटा विश्वविद्यालय के टाइम टेबल के ऊपर, और टाइम टेबल के साथ साथ परीक्षा के पैटर्न के ऊपर, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर कि एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकते हैं, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षाएँ जो है कब से जारी हो सकती हैं। इन तीन चार बातों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और अब आपको प्रिपरेशन के लिए क्या करना होगा, किस हिसाब से आप लोग अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके जो है अच्छी परसेंटेज बना सकते हो, इसको लेकर के हल्का सा वीडियो हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इस पर यदि चैनल पर नए हो तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि बेटा आप एक बार डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों के ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, सरदार पटेल आश्रम कोटा या फिर डीएस एजुकेटर, दोनों में से किसी भी एक ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लें तो जो रेगुलर अपडेट्स हैं चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइनल ईयर की जो एग्जाम्स हैं उसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स का क्या सीन चल रहा है। देखिए टाइम टेबल आ गया, 25 तारीख से पेपर है, और ये सबको सर्वविदित था, पहले से भी आइडिया हम लोग लगा रहे थे कि 25 के आसपास से एग्जाम शुरू होंगी, तो ये जो एग्जाम्स है वो अब शुरू हो रही है, इसमें अब किसी भी प्रकार का करेक्शन होगा इसके आसार नहीं है, तो अब किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित होने की आवश्यकता भी नहीं है। अब बात आती है एडमिट कार्ड की, 25 से एग्जाम है, इसका मतलब यह है कि 7 दिन पहले यानी 18-19 तक आपके जो एडमिट कार्ड है वो आराम से आ जाएंगे, 18-19 या लास्ट 20 तक, ये यूनिवर्सिटी का कंसर्न है, इसमें आपको अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब टाइम टेबल आ ही गया है तो एडमिट कार्ड भी आएंगे, और एडमिट कार्ड जब आ गए तो उसके बाद आप लोग सबसे पहले उसमें 2-3 चीज़ों को जो ध्यान से देखेंगे वो ये है कि टाइम टेबल और एडमिट कार्ड दोनों में आपका समय जो दिया हुआ है एग्जाम का वो एग्जैक्ट सेम है या नहीं। पिछले साल काफ़ी बच्चों का पेपर जो है छूट गया था, खासतौर पर फिलॉसफी की मैं बात कर रहा हूँ, यदि आप में से फिलॉसफी का कोई स्टूडेंट हो तो पेपर की टाइमिंग के कारण बहुत से बच्चों का पेपर छूट गया था, तो ये वीडियो भी एक प्रकार से आपको सतर्क करने के लिए है कि आप लोग टाइम टेबल को अच्छे से देखें। देखिए बीए में एक बड़ा संकट ये है कि समय का थोड़ा सा अंतर है, कुछ बच्चों के पेपर 9 बजे से हैं, फिर ए से एम तक और एन से जेड तक, ये जो अल्फाबेट का संकट है ना, इसको आपको गौर से देखना होगा कि आपका पेपर कब कौन सी शिफ्ट में है, क्योंकि पिछले साल अल्फाबेट के कारण भी कई बच्चे परेशान हुए थे, कई बच्चों का जो सेंटर था वो चेंज हुआ था, उसके कारण कई परेशानियां आई थी, तो इस चीज़ की परेशानी इस साल जो है ऐसी कोई परेशानी नहीं आई, इसको लेकर के हम लोग निरंतर आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आपकी खुद की मौलिक जिम्मेदारी ये बनती है कि आप लोग जो है टाइम टेबल को अच्छे से देखें, रीड करें, कोई डाउट हो तो पूछें। और चूंकि रिकॉर्डेड वीडियो बनाने का मानस इसलिए बनाया क्योंकि जब कमेंट्स आप लोग लाइव में काफ़ी नॉनसेंस तरीके से आप लोग कमेंट करते हो तो वो उतना यूजफुल नहीं रह पाता, वीडियो की जो इफेक्टिवनेस है वो भी खत्म हो जाती है, तो मैंने ये फैसला किया कि इस बार जो है लाइव वीडियो के बजाय हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, और जिसमें कि सिर्फ काम की बातें की जाएंगी, और आपके जो चैट्स हैं या जो लाइव चैट में जो कमेंट आप करते थे तो मैं चाहूँगा कि वो कमेंट आप अभी भी करें, लेकिन अब वो कमेंट जो है मैं अपने हिसाब से रीड करूँगा और जो जवाब देने लायक होंगे उनके रिप्लाई भी करने का प्रयास करूँगा। हम लोग प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग बात करना चाह रहे थे पिछले वीडियो में भी, लेकिन बात हो नहीं पाई, तो प्रैक्टिकल की फाइल्स आप लोगों को रेडी रखनी है। सोशियोलॉजी में प्राइवेट बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं होता है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रख लें। मैं फिर से दोहरा दूं कि वन वीक सीरीज को पढ़ने से बचें, कोशिश करें कम से कम पहले तो किताब पढ़ें, यदि किताब नहीं पढ़ पा रहे हो तो पासबुक पढ़ें, लेकिन वन वीक सीरीज को पढ़ने से बच जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग तय मान के चलें कि फिर बीएड के लिए जो जरूरी 50% है ना वो नहीं बनेंगी और आप लोग भटकते रहोगे, ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता है, फिर वो कहते हैं कि सर अब बीएड कैसे करें, इम्प्रूव कर लें क्या, जब मेन एग्जाम होती है तभी आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो फिर बाद में क्या इम्प्रूव करोगे, ये एक कड़वा सच होता है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोग पहले से ही अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखें कि 50% से कम आपकी नहीं बने, ज़्यादा बने, और आप पीटीटी के लिए या दूसरे कॉम्पिटिशन्स के लिए एलिजिबल रहें। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो हैं अपने टाइम टेबल को लेकर के काफ़ी
जिसे कहते हैं कि अधीरता दर्शा रहे हैं। मैं आपको बता दूं आज के अखबार के हवाले से मैं ये खबर शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, टाइम टेबल को लेकर के है ये खबर कि जो हमारे सीओई साहब है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रवीण भार्गव साहब, तो उनके हवाले से ये न्यूज छपी है आज। मैंने दैनिक भास्कर में खुद ने भी रीड की है कि आप लोगों का जो बाकी क्लासेस का टाइम टेबल है उसके ऊपर काम चल रहा है और अगले हफ्ते यानी अगले 4-5 दिन का नाम उन्होंने लिया है। मेरा ये मानना है कि चलो 4-5 दिन में नहीं, पूरे हफ्ते की बात हम लोग कर लेते हैं, तो अगले वीक में यानी 20-21 तारीख तक जो है आप लोगों का जो रेस्ट ऑफ द टाइम टेबल है वो आने के आसार हैं। यानी 21 से पहले पहले कभी भी आपका टाइम टेबल आ जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी, और जो पीजी के टाइम टेबल्स हैं वो भी आ जाएंगे। और जब सारे टाइम टेबल आ जाएंगे तो आपके मन में जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम है, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। एग्जाम को लेकर के अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी जरूर होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जिनका टाइम टेबल नहीं आया है वो बच्चे खुद को जून के सेकंड वीक से प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि मई में तो शायद उनका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि यदि मई में होता तो टाइम टेबल आ जाता है इनके साथ ही, लेकिन आपका पेपर जून के फर्स्ट वीक में नहीं तो सेकंड वीक में तो होने के आसार है ही। तो आप लोग खुद को इस तरीके से मानसिक रूप से तैयार रखें कि जून के सेकंड वीक में आप लोग के पेपर शुरू हो सकते हैं, तो उस तरीके से खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें और पढ़ाई अपनी कंटिन्यूस जारी रखें। दो यूनिट का क्या सीन है इसको लेकर के काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज थे। मैंने ये नहीं कहा था कि दो यूनिट ही पढ़नी है, लेकिन दो यूनिट पढ़ के भी आप पूरा पेपर कर सकते हो, ये जरूर मैंने शेयर किया था। तो इसको लेकर के किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं पाले, आपको यूनिवर्सिटी के पैटर्न के मुताबिक 50% अंकों का पेपर हल करना है, यानी 90 मिनट में आपको उतना ही पेपर हल करना है जितना यूनिवर्सिटी ने कहा है। अब यूनिवर्सिटी ने हमसे जो शेयर किया है वो ये है कि यदि आप लोग जो पेपर है वो तो बिल्कुल एज इट इज आएगा जैसा कि पिछले सालों में आता आया है, आप उसमें निर्देश भी वही होंगे जो पहले आते आए हैं, सिर्फ समय बदलेगा, यानी 1.5 घंटा रहेगा। अब 1.5 घंटे में 3 घंटे वाला पेपर हो नहीं सकता, तो आपको 50% पेपर हल करना है, जिसमें अथवा वाले दोनों भी आप लोग कर सकते हो यदि आपको आते हो तो। आप चाहो तो 20-20 नंबर वाले कर दो, चाहो तो 10-10 वाले कर दो, जैसे जहां से चाहे आप लोग पेपर में से कहीं से भी, आप किसी भी प्रकार से पेपर में दिए गए निर्देशों के हिसाब से पेपर नहीं करें। यूनिवर्सिटी का ने एडमिट कार्ड में पिछले साल पॉइंट नंबर 9 या 11 जो मेंशन किया था, हो सकता है इस बार मेंशन करें, तो जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें भी ये निर्देश दिए जाएंगे। आप लोग जो आपका प्रवेश पत्र आए उसमें दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करें, उसी के मुताबिक आप लोगों का पेपर होगा, उसी के मुताबिक आप लोगों की कॉपी चेक होंगी, उसी के मुताबिक फिर आपकी परसेंटेज जो है बनेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। अभी आप लोग टाइम टेबल को लेकर के बहुत ज़्यादा अधीरता नहीं करते, थोड़ी सी तसल्ली रखें, धैर्य बनाए रखें। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर उन सभी से मैं कहना चाहूँगा बेटा कि आप लोग जो है चैनल को जितना हो सकता है उतना अपने साथियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और निश्चित तौर पर आपको विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो ऑथेंटिक न्यूज है, जो खबरें हैं, वो निश्चित तौर पर मेरे माध्यम से मिलेंगी, चैनल के माध्यम से मिलेंगी। और इसमें जो है कोई ऐसी बातें नहीं है कि आप लोगों के साथ कोई फेक न्यूज या ऐसा कुछ हो, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऑथेंटिसिटी के साथ चीज़ें शेयर की जाती हैं। अब टाइम टेबल आने के बाद ही आप लोगों के साथ कहा गया, इसके अलावा जैसे पैटर्न के ऊपर कहा गया तो बिल्कुल उसी हिसाब से कहा गया जिस प्रकार से कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपन को डायरेक्शंस दी हैं, प्रैक्टिकल फाइल के लिए उसी प्रकार से कहा गया है जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी की तरफ से निर्देश मिले। यानी चीज़ों को एज इट इज समझना और समझ के आप लोगों के साथ शेयर करना, ये दोनों बातें हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाई जाए। कि कई बार होता क्या है, बीइंग ए स्टूडेंट आप लोग समझ नहीं पाते हो कि यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है, और एक कुछ बच्चे जिनका एक बल्क ग्रुप बन चुका है वो लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे भले की नहीं सोचती, तो उनको भी संदेश कि यूनिवर्सिटी आपके ही भले की सोचती है, नहीं तो एक दिन में 2 पेपर भी कराए जा सकते थे, बाकी यूनिवर्सिटीज करा रही है, आप लोग परेशान होते, लू में थपेड़े खाते और पेपर भी अच्छा नहीं होता। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, विश्वविद्यालय प्रशासन आप लोगों के लिए मेरे सामने सोचता है और अच्छे से सोचता है, अच्छा ही सोचता है। आप लोग जो हैं बिना मेहनत किए जो है अच्छी परसेंटेज बनाने की उम्मीद करते हो बेटा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोगों को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, हार्ड वर्क करें और सफल होइए। थैंक यू सो मच।